कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के होटल कृष्णा पैलेस में हुई मौत के मामले में एडीजी जोन अखिल कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि मनीष गुप्ता की हुई मौत के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा यह जानकारी हासिल की गई कि उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है। उन्होंने बताया कि घटना की विवेचना लखनऊ क्राइम ब्रांच व जनपद पुलिस को दे दी गई है तथा विवेचना को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एक साथ कई विवेचक लगाए जाएंगे। एडीजी ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बिंदुओं पर छानबीन किया जाए तथा घटना स्थल के गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, चेकिंग किस लिए चल रही थी तथा कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इन सब की जानकारी ली जाए। उन्होंने बताया कि घटना की छानबीन के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य और अन्य गवाह से पूछताछ करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोप पुलिस पर है, इसलिए टीम बनाकर घटना की निष्पक्षता और पारदर्शिता से जांच किया जाएगा। वहीं इस संबंध में होटल कृष्णा पैलेस के मालिक सुभाष शुक्ला ने बताया कि घटना की सूचना रिसेप्शन वर्कर के द्वारा फोन पर मिली कि एक व्यक्ति की गिरने से चोट लगी है, जिसको पुलिस वाले भर्ती कराने के लिए जिला अस्पताल ले गए हैं। उन्होंने बताया कि रात में घटना के समय मैनेजर नहीं था, रिसेप्शन पर काम करने वाला आदर्श पांडे था, वही पुलिस के साथ चेकिंग कराने के लिए मनीष गुप्ता के रूम में गया था। उन्होंने बताया कि चेकिंग के समय रात में पुलिस होटल पर पहुंची और कहा कि दिवाली को देखते हुए एसएसपी के निर्देश है कि होटल के सभी कमरों को चेक किया जाए तथा कमरा नंबर 512 में मनीष गुप्ता और उनके साथी रुके थे। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर के बाद से होटल पर कोई भी व्यक्ति रुकने के लिए नहीं आ रहा है और पूरा होटल खाली पड़ा हुआ है, जिससे बहुत समस्या हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द मामले को जांच कर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा घटना के बाद सुबह ही पुलिस सीसीटीवी की डीवीआर उठा ले गई थी। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, एएसपी व सीओ कैंट राहुल भाटी, रामगढ़ताल थाना प्रभारी के राणा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए होटल कृष्णा पैलेस के मालिक सुभाष शुक्ला और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, तुझा फर्जी भाई तुझा तुझा खींच लो तुझा सुभाष शुक्ला। मेरे वहाँ जब सचिव साहब जब गिर गए, घायल हो गए तो लेके गए, उसके बाद जो रिसेप्शन पाया कोई फ़ोन किया यहाँ से, मेरा ही कर्मचारी कोई फ़ोन किया, मैं भागे भागे 12:30 बजे यहाँ आ गया, तब उसके बाद हमें पता चला, उसके पहले कुछ भी पता नहीं था। मैनेजर तो था ही नहीं, रिसेप्शन पर जो था वही गया था साथ में। खबर चली कि मैनेजर के द्वारा सूचना दिया गया था, फिर वो क्या? बिल्कुल गलत बात है, जब उन्होंने आया था तो कहा था कप्तान साहब का आदेश है
दिवाली को देखते हुए और सारे रूम चेक करना है। एक रूम की बात नहीं हुई थी, उसमें सात रूम लगा था, सातों रूम चेक करने की बात हुई थी। लेकिन संजोग था उसमें तीन लोग थे जो कुछ और प्रांत से थे, कुछ अपने यहाँ से कानपुर से थे, इसलिए संदिग्ध लगा या क्या लगा उसने, सबसे पहले वही कमरा चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक विभाग आए थे लेकर सील करके। घटना के बाद होटल पे कितना बिजनेस का प्रभाव पड़ा? अभी तक तो एक भी कस्टमर नहीं है। घटना के बाद तो एक जो 10 रूम 12 रूम 15 रूम लगता है, एक भी रूम नहीं लग रहा। घटना के बाद तो बिल्कुल जीरो समझ लीजिए, कह सकते हैं जीरो है, एक भी रूम नहीं लग रहा अभी तक। 27 तारीख में जो रूम लगा था वही रूम था, आज 27 के बाद आज तक जो एक भी रूम नहीं लगा। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं जो होटल के बारे में भी थोड़ा सा सोचें कि बार बार जब ये छापा पड़ जा रहा 4 बजे 3 बजे 2 बजे तो 2 महीना 3 महीना सुधरने लग जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा प्रशासन ध्यान दे कि मेरे होटल में ना और जगह भी होटल में अगर इच्छा है 4 बजे 3 बजे आप बताइए छापा पड़ जाएगा। मैं तो सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, सबसे ज़्यादा पीड़ित हूँ। मैं बैंक का किस्त नहीं दे पा रहा हूँ, हमें तो बैंक का किस्त देने में भी दिक्कत हो रही है। निरीक्षण किया गया है मौके को, किन परिस्थितियों में कहाँ पे हुई है उसको जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई है। मुख्यतः विवेचना जो है क्राइम ब्रांच लखनऊ गोरखपुर पुलिस को दे दी गई है। उस टीम को हम लोग ने सुदृढ़ करने के लिए कहा है, और भी विवेचक इसमें एक साथ लगाए जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी विवेचना निष्कर्ष पर पहुंच जाए। सभी बिंदुओं पर छानबीन के लिए कहा गया है, जो घटनास्थल के में गवाह हैं उनको, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनको, उससे किन परिस्थितियों में ये चेकिंग चल रही थी नहीं चल रही थी, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व रहे, कितना इसका इन्वॉल्वमेंट हो, सभी बिंदुओं पर छानबीन होगी और उस पर निर्णय आगे वो लोग लेंगे। बस ये है कि उनको जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करने के लिए निर्देश दिए हैं। कई बिंदुओं में सीसीटीवी का फुटेजेस देखना, जो मोबाइल रिकॉर्ड्स उनको चेक करना, और जो अन्य गवाह हैं अन्य स्थान चले गए हैं उनका भी बयान जल्दी से जल्दी लेने के लिए कहा गया। स्वाभाविक है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें जल्दी से जल्दी टीम बनाया जाए, और चूँकि आरोप पुलिस पर लगी है इसलिए और उस पर निष्पक्षता रहे और स्पष्टता रहे कि क्या हम कर रहे हैं और कैसे किस दिशा में जा रही है, ये त्वरित ढंग से करना पड़ेगा। सर, चेकिंग करते हुए फोटो वायरल हो रहा है तो हाँ, तो वो तो कई चीज़ मिल रहे होंगे आपको, कहीं पे आपको वीडियो मिलेगा, कहीं चेकिंग होगा, और सबको एक साथ तार से तार जोड़ के विवेचकों का काम है कि सभी चीज़ों को एक साथ रखते हैं, देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि निष्पक्ष जाँच 100% होगी और जो सही है उसी के आधार पर कार्रवाई होगी, और अगर इनमें से जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।